राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राम सूरत राय की अध्यक्षता में बागमती परियोजना के अधीन अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान से संबंधित समीक्षात्मक बैठक सर्किट हाउस स्थित सभा कक्ष में की गई। बैठक में विधायक गायघाट एवं रूनी सैदपुर के साथ जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी मोहम्मद उमर, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार, सहायक समाहर्ता श्रेष्ठ अनुपम के साथ संबंधित प्रखंडों के अंचलाधिकारी एवं बागमती परियोजना के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। बैठक में औराई और गायघार विधानसभा के अंतर्गत बेनीवाल से लेकर औराई कटौझा तक बागमती परियोजना के अंतर्गत दाएं और बाएं भाग का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण में बचे हुए कार्य को पूरा करना, किसानों को भुगतान करना, 20% की राशि का भुगतान में जो विलम्ब हो रहा है उसे क्रियान्वित कराना, जिस गाँव का अधियाशा नहीं हुआ है, जिसका गजट पंचायत हो चुका है, इत्यादि बिंदुओं पर समीक्षा की गयी। बैठक में प्रभावित गाँव के एक एक किसान भी उपस्थित हुए, जहाँ उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। उपस्थित अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं को गौर से सुना गया एवं उसके समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाने की बात की गई। कहा आज की जो बैठक थी औराई विधानसभा और गायघाट विधानसभा के अंतर्गत बेनीवाद से लेकर के औराई कटौझा तक जो बागमती परियोजना का बांध दाएं और बाएं का निर्माण जो हो रहा है, उस निर्माण में बचे हुए कामों को पूरा करना, किसानों का भुगतान करना, 20% पैसे में विलम्ब रक्षा करना, जो गांव अभियाचना नहीं हुआ है उसका बजट संचालन हो गया है, ऐसे सारे विषयों पर चर्चा हुई और वहां के प्रत्येक गांव से एक एक किसान को बुलाया गया था और सभी किसानों ने लगभग 15-20 किसानों ने अपनी समस्या को रखा और विभाग के अधिकारी, हमारे जिले के अधिकारी सभी ने इस बात को सुना और समझा और सभी ने भरोसा दिया है और जनता और आम किसान को भी यह भरोसा हुआ है कि हमारा कामयाब जल्द कल्याण हो जाएगा और जनहित में, जन कल्याण में, क्योंकि बार बार बाढ़ आता है, बार बार किसान परेशान होते हैं और पलायन की स्थिति बन चुकी है, तो जल्द से जल्द कैसे काम हो, इस पर मीटिंग हुआ, समीक्षा हुआ है और बहुत अच्छे माहौल में किसानों का सहयोग मिला है और यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कुछ मामला है, जो फाइल वगैरह समस्या उसका निदान होगा, फिर जल संसाधन विभाग के द्वारा काम होना है, इसलिए दोनों लोग कोऑर्डिनेशन बना करके और डीएम के नेतृत्व में यह बैठक हुई है। बैठक में तमाम लोगों से आग्रह किया गया है कि काम हो लेकिन भुगतान पहले हो, भुगतान कैसे हो, पैसा कुछ आ चुका है, कुछ पैसा आने वाला है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगला जो साल ये बात के बाद जो आएगा तो निर्माण शुरू भी हो जाएगा और उसके पहले भुगतान भी एकदम हो जाएगा। कुछ गाँव का समय लगेगा जिसका पूर्ण चुका है या गलत तरीके से हो गया था, 11 गाँव है और 28 गाँव है, उन सब का भी करके 5-6 महीने का जरूर भुगतान हो जाएगा। कुछ लोगों का भुगतान, उनको विश्वास है कि जो तय हुआ है जुलाई के 26 से भुगतान भी चालू हो जाएगा। कितने लोग पीड़ित हैं मंत्री जी इससे और कितने भुगतान होने? लगभग पीड़ित आपको मैं बता दूं कि लगभग 30-35 गांव के लोग पीड़ित हैं अभी तक और आंशिक रूप से कुछ और गाँव भी है, लेकिन मैक्सिमम जो बता रहे हैं कि अब जितना काम होना था उसका अभी 40% काम बचा हुआ, 60% पूरा कर लिया गया, ये भी 40% का निदान में से 40 में से 20% का निदान तो जून जुलाई में हो जाएगा, जुलाई अगस्त में हो जाएगा, बाकी जो बच्चे लोग हैं उनका 3-4 महीने में होगा और पूरा मुझे विश्वास है कि दिसंबर तक सारा निदान हम लोग क्लियर कर लेंगे।